सीने से लगा लिया और बोला, पगले, मैंने तुझे आरामदायक जिंदगी जीने के लिए जमीन पर भेजा था और तू इसे सेना की नौकरी में खत्म करके आया है। समझ में आ गया तो ताली बजा देना भाई। अब हम जय हिंद जय भारत, और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन। दर्शकों आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 16 में, और यहां पर राष्ट्रीय सेवक दल की ओर से जो है भारतीय सेना को जो है रक्त देने के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया है। और उम्मीद करूंगा जितने जो दर्शक देख रहे हैं वाकई इस खबर को पूरा देखिएगा, और इस तरह के कैंप उम्मीद करूंगा लगातार लगने चाहिए, और भारतीय सेना को जो कैंप यहां पर लगाया वाकई बहुत सराहनीय है। और जो सज्जन मेरे साथ मौजूद हैं पंचाल जी, उनसे एक बार इस विषय में बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या बताएंगे आज के इस शिविर को लेकर के? दिनेश जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी एक त्रुटि को मैं ठीक करना चाहूंगा। जी जी जी। अभी आपने बोला कि यहाँ रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। जी नहीं, ये रक्तदान शिविर नहीं है, रक्तदान रक्त सेवा शिविर। यस, बहुत बढ़िया। ये क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है कि हम आर्मी को दान दे सके, किसी की भी हैसियत नहीं है कि वो आर्मी को दान दे सके, तो इसलिए हमने ये रक्त सेवा शिविर लगाया है। और हमारे संस्था का जो संगठन का भी नाम है राष्ट्र सेवक दल है, हमारे सभी राष्ट्र सेवक आज अपनी सेवा में लगे हुए हैं, और हम अपने खून से अपने सैनिक भाइयों की यदि सेवा कर पाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ। पंचाल जी ने वाकई एक बहुत बड़ी बात की, क्योंकि रक्तदान शिविर नहीं रक्त सेवा शिविर है, क्योंकि हमारी क्या मिजाल या हमारी क्या औकात कि हम आर्मी के जवानों को कुछ दान दे पाए, क्योंकि उनकी सेवा कर दें वही हमारा सौभाग्य रहेगा। बाकी बहुत बड़ी बात कही जी। अच्छा, अपना जो संघ है, दल है, जो अपना राष्ट्रीय सेवक दल जो है, उसमें कब कब ये कैंप लगते हैं या कब कब लगेंगे? देखिए मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, चरण सिंह फाउंडेशन हमारी एनजीओ है जी, 2005 से ये रजिस्टर्ड है। ठीक है। उसी का एक बैनर है राष्ट्र सेवक दल, और ये जो सेवा का जो कार्य जो है ये पहला हमारा जो है रक्त सेवा शिविर लगाया गया है। अभी फ्यूचर में भविष्य के अंदर हमारा जो संगठन है समय समय पर ये कैंप लगाएगा, और हम धन्यवाद करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतीय सेना के सभी बड़े अधिकारियों का। हमें एक साल लग गया भारतीय सेना को बुलाने के लिए, और बड़ी मीटिंगें हुई, बड़ी उनसे चर्चा हुई, उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा, और मैं तहे दिल से दिल की गहराइयों से अपनी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये सौभाग्य हमें दिया कि हम उनकी सेवा कर पाए। समय समय पर जब भी हमारा ब्लड कैंप लगेगा वो आर्मी को ही जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा पंचाल जी, ऐसा शायद मैंने अपनी लाइफ में या अपनी कवरेज के दौरान भी नहीं देखा है कि डायरेक्ट आर्मी के जवानों को कैंप में बुला करके उनकी सेवा की जाए। जी, जी, जी। और लेकिन अक्सर आते हैं कि हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आ जाते हैं या हॉस्पिटल को डायरेक्ट दे दिया जाएगा, लेकिन आपने कंसेप्ट जो चुना है वो उस क्यों? हाँ देखिए, वो क्या था कि मेरा एक सपना था कि जब भी हम जो है ब्लड कैंप लगाएंगे तो हम सीधा आर्मी के लिए लगाएंगे और आर्मी को ही बुलाएंगे, उससे पहले हम कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? एक दिल की भावना आर्मी के प्रति, देश के प्रति एक हमारी भावना है, और हम चाहते हैं हमारी देश की जो आर्मी है हम जितना उसका सम्मान कर सकें उतना कम है। बहुत से लोग हैं, लोग राजनीति करते हैं, हमारा ये संगठन राजनीति से बिल्कुल परे है। हमारा जो मेंबरशिप का जो फॉर्म होता है उसके अंदर भी हमने चार लाइनें लिखवा रखी हैं कि मैं इस राष्ट्रीय सेवक दल का सदस्य बनना चाहता हूं, हमें इसका सदस्य बनाया जाए, मैं भविष्य में किसी प्रकार की राजनीति नहीं करूंगा। हम देखेंगे उसको कि वो ठीक तरीके से काम कर रहा है नहीं, और उसकी मेंबरशिप भी एक साल के लिए वैलिड रहेगी। हम उसको चेक करेंगे, वो हमारी संस्था को चेक करे, उसे ठीक लगता है तो हमारी संस्था के साथ कंटिन्यू करे, और हम भी देखेंगे अगर वो संस्था के मुताबिक काम नहीं कर रहा है तो हम अगली बार उसका रिन्यूअल भी ले लेंगे। बहुत बढ़िया। वाकई मेरे को संस्था के जो एम एंड ऑब्जेक्ट हैं वाकई वो भी बहुत सराहनीय लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर देश प्रेम की भावना है तो ही ये संस्था ज्वाइन करेंगे, अगर आपके अंदर किसी एक पार्टी से प्रेरित होकर किसी भावना है तो फिर इस संस्था को ज्वाइन करने की वाकई कोई जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल। मैं दिनेश जी एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मेरे पास फोन आते हैं, मेरे से कई लोग मिलते हैं कि जी हम इस संस्था के साथ जुड़े हमें क्या फ़ायदा होगा। मैं कहा आप घर बैठिए, आप इस संस्था के लायक नहीं है। यदि आपने कहा कि क्या फायदा होगा, यदि आप इस संस्था के साथ जुड़ने के बाद फायदा देख रहे हैं तो आप इस संस्था के लायक नहीं है, आपको ये रास्ता दिखिए। सही मायने में तो बात यह कि पंचाल जी ने जो बात कही कि इस संस्था के साथ जुड़ने की अगर भावना के साथ आप आ रहे हैं और किसी फायदे को लेकर आ रहे हैं तो नुकसान में रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं बता दूं सिर्फ ये संस्था नहीं, संस्था का नाम ही होता है कि अगर आप सेवा की भावना से जा रहे हैं किसी भी संस्था में तो आप वहां पर जाएं, अदरवाइज आपके अंदर कोई लाभ की भावना है तो किसी भी संस्थान में मत जाएं। यस बिल्कुल।
शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसा लगा आपने भी अभी ब्लड जो है अपना डोनेट किया है? मतलब डोनेट नहीं कहूँगा, सेवा की है। सेवा की है। क्या कहता है? बहुत अच्छा लगा। हमारे पंचाल जी तो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, और ये आज से नहीं, मैं तो इनको बहुत दिनों से जानता हूँ, हमारी बहुत पुरानी मित्रता भी है। तो ये जो है ना, इस कार्य में बहुत सराहनीय काम करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। और ये जो कंसेप्ट इन्होंने किया है, जो सेना के साथ मिलकर के जो कैंप लगाया है, ये एक अद्भुत, एक बहुत ही मिसाल देने वाला ये कैंप है। और लोग इससे नसीहत लेंगे, जब ये बात लोगों तक पहुंचेगी तो लोग भी इस बात को सोचेंगे और सराहेंगे कि ये काम जो है ना इन्होंने बहुत अच्छा किया है, और आगे भी ये ऐसे जो कार्यक्रम होते रहेंगे। अभी तो हमारा जो राज सेवक दल है ना, अभी जो शिशु अवस्था में है, और शिशु अवस्था में ही अभी हमने पहला ये अच्छा कैंप लगाया है, और आगे चलकर कि बहुत ही विस्तार लेगा, विकास करेगा, और हम और भी इस तरह से कैंप लगाते रहेंगे और सेना की सेवा करते रहेंगे, क्योंकि वो तो राष्ट्र रक्षक हैं, तो हम तो राष्ट्र सेवक हैं, तो राष्ट्र रक्षक की राष्ट्र सेवक के तौर पे हम सेवा करना हमारे लिए फर्ज बनता है, कर्तव्य है। हम अधिकार की बात करते हैं लेकिन कर्तव्य की बात करते हैं, हमारा कर्तव्य है। अपनी संस्था में किस किस तरह की सेवा हो रही होगी? जैसे ये तो ठीक है, ब्लड की जो है रक्त की सेवा हुई यहाँ पर, और किस तरह की सेवा की उम्मीद? अभी तो हम जो सामाजिक स्तर पर जो भी सेवा करना चाहेंगे, जिस तरीके से जैसे कि गरीब लोगों के लिए कुछ करना है, गरीब बच्चे हैं उनके लिए कुछ सहायता करनी है, गरीब महिलाओं के लिए कुछ सहायता करनी है, उस तरीके की हम और कई सेवाएँ लेकर के आएंगे। अभी आगे प्लानिंग कर रहे हैं पंचाल जी से बाद में। मैं कहना चाहूँगा इस बारे में, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आपके माध्यम से मैं एक बात बता देना चाहता हूं। अगला जो हमारा जो अब इस कार्यक्रम के बाद हम एक मीटिंग रखेंगे अपनी सभी मेंबर्स की, और एक शमशान घाट जो यहाँ नज़दीक में 26 सेक्टर है, वहां पर हम एक बोर्ड लगाएंगे, परमानेंट बोर्ड लगाएंगे, कि कोई भी, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये तो जीवन है, आनी जानी है, भगवान ना करे कोई ऐसा परिवार जिसके पास अंतिम संस्कार के पैसे ना, उसके परिजन का संस्कार करने के लिए, वो हमारी संस्था को कॉल करे, हमारी संस्था उसका उसका खर्चा बेयर करेगी, सम्मान के साथ उसको उसका अंतिम संस्कार करेगी, और उसके साथ हम उन मेंबरों को अपने साथ जोड़ेंगे जो हर महीने संस्था का एक अलग से अकाउंट बनेगा, वो फंड सिर्फ उसी काम के लिए रहेगा, उसी फंड से हम शव वाहन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने के लिए तैयारी में है, एम्बुलेंस तैयारी कर रहे हैं, कि उसी को आगे उसी तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री सेवा समाज को दी जाए, भारतीय सेना को दी जाए, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय है। हम सेवा, सेवा और सेवा। जय हिंद, जय भारत।